देखिए आज महेश बाबू के दोनों फिल्में यानी SSM 28 और 29 से अच्छी अच्छी अपडेट आ गई है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए महेश बाबू हाल ही में अपनी वाइफ नर्मिता जी के साथ एक पार्टी में गए थे, वो भी इंडियन टेनिस प्लेयर यानी साइना मिर्जा की फेयरवेल पार्टी थी। खैर ये तो आम बात है, स्टार लोग जाते रहते हैं प्लेयर सब की पार्टी में, लेकिन फैंस इस बात से हैरान हो गए आखिर इस आदमी का रियल एज है क्या। भाई लगता है ये जरा भी 49 साल के व्यक्ति हैं। आई थिंक जब ये 55-60 साल के हो भी जाएंगे तो तब भी इनको फिल्म में यंग दिखने के लिए चेहरे पर VFX लगाना नहीं पड़ेगा। महेश बाबू उस एज में भी नेचुरली 25 साल के लड़के लगेंगे। खैर अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए हाल ही में ऐसी खबर आ रही है SSM 29 के मेकर्स पठान की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से बातचीत कर रहे हैं जंगल एडवेंचर में काम करने के लिए। और आपको पता ही होगा बॉलीवुड की दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ ये लोग कोई आम एक्ट्रेस नहीं है। इन लोगों को फिल्म में सिर्फ रोमांटिक सीन ही नहीं बल्कि भारी काम करवाने के लिए भी रखा जाता है, यानी एक्शन सीक्वेंस के लिए। और राजा मलेश्वर भी दीपिका पादुकोण को एक्शन के लिए कास्ट करना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता है राजा मलेश्वर की अप्रोच को दीपिका पादुकोण रिजेक्ट कर पाएंगी। सो दीपिका पादुकोण का जंगल एडवेंचर में एंट्री कन्फर्म समझो आप। और इसके बाद अगली खबर आ रही है SSM 28 से। भाई मेकर्स कैसी फिल्म बना रहे इतनी बड़ी कास्टिंग करके। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बॉलीवुड से भूमि पेडनेकर की कास्टिंग किया गया एज ए पुलिस के रोल में इस मूवी में, लेकिन अब खबर आ रही है इस SSM 28 में दो और एक्ट्रेस की भी कास्टिंग हो गई है। पहले तो बॉलीवुड से सीनियर एक्ट्रेस रेखा जी का। हाँ भाई इन्होंने एक्टिंग कब का छोड़ दी थी, मगर पता नहीं कैसे मेकर्स ने इनको कास्ट कर लिया SSM 28 में, और अब जल्द ही ये शूटिंग के लिए ज्वाइन कर जाएंगी महेश बाबू को। और दूसरे तेलुगु एक्ट्रेस हैं श्री लीला, जिनको आपने हाल ही में रवि तेजा सर की धमाका फिल्म में भी देखे होंगे। और इसी के साथ महेश बाबू को SSM 28 में पूरे चार एक्ट्रेस हो चुकी हैं। पहले पूजा हेगड़े, फिर धनुष सरवाली संयुक्तन मेनन, फिर भूमि पेडनेकर और अब श्री लीला भी आ चुकी हैं। पता नहीं महेश बाबू को फिल्म में इतने सारे एक्ट्रेस का काम क्या होगा। शायद इसमें भी डायरेक्टर त्रिविक्रम हर एक इंडस्ट्री से किसी ना किसी को रखने की कोशिश किए हैं। देखते हैं वो किस प्रकार का पैन इंडिया फिल्म बनाते हैं महेश बाबू के साथ। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।